मैं एस के मोहन आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन ए टू जेड स्टडी सेंटर आपका स्वागत है। बच्चों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास दसवीं का मैथ का मेंसुरेशन और मेंसुरेशन का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। तो जिनसे हमें इनसे पहला जो वीडियो पढ़े थे क्षेत्रमिति का वो था आपको वृत्तों का परिधियों और ये है वृत्तों का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपके 2022 की एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को सॉरी इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके भेजा में सवाल अवश्य घुस जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बट हम लोग यहाँ पे इसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे तो वो था परिधियों के योग के बराबर और ये है इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो बच्चों क्वेश्चन सेम है, वहां था परिधि तो परिधि का फॉर्मूला लगाए थे और यहाँ पे है क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ जब हल करेंगे हम लोग तो यहाँ लिख लेना है हल और इसके बाद लिखेंगे दिया है कि अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे एक R1 दिया गया है और एक R2 का वृत्त दिया गया है। ये जो RCM है वो है आपका R1 बराबर हो गया RCM तथा R2 का वैल्यू जो है वो दिया गया है आपका 6 cm। तो हम लोगों को चलना है यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न से और उसके बाद लिखना है सवाल का वृत्तों का क्षेत्रफल। तो हम लोग चलेंगे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, का योग बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहां देखिए ये जो है वृत्तों की क्षेत्रफलों का योग, मतलब कि यहां पर समझिएगा ये जो है 12 वृत्त है। तो यहां पर अगर ये नहीं लिखने की मन होगा तो लिख सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसका होगा 12 r, यानी फॉर्मूला जो होगा वो होगा पाई और वर्गा r का होल स्क्वायर बराबर में चलेगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल है तो हो गया पाई r1 का होल स्क्वायर प्लस पाई r2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से पाई पाई को क्या करना है कॉमन लेना है। अब हम लोग पाई पाई का क्या करेंगे, या पाई r स्क्वायर लिख लेंगे बराबर यहाँ से पाई होगा कॉमन आर वन का होल स्क्वायर जोड़ आर टू का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट रहा है, ये आर वन बराबर देखिएगा आर वन सॉरी बड़ा आर है, ये आर वन बराबर आठ है, यहाँ पे स्क्वायर है तो आठ का होल स्क्वायर जोड़ आर टू का वैल्यू है 6 तो 6 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, ये बड़ा आर का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर जो आठ का वर्ग करेंगे तो आठ का वर्ग हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या आता है 100। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें चढ़ेगा रूट, तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100। अब हमें देखिएगा इसलिए जो बड़ा आर हो गया, बड़ा आर का जो यहाँ सॉरी ये देखिए आर जो रूट अंडर 100 है, रूट अंडर 100 का जो वैल्यू होता है वर्गमूल निकलता है वो निकलता है 10, यानी कि 10 cm। तो बड़ा आर का वैल्यू कितना निकल गया 10 cm। तो इसका ये आंसर